नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव चुमेरा। देश में इस वक्त एक ही विवाद है, सब अपने अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। फिल्म पद्मावत के साथ भी कुछ ऐसा ही विवाद जुड़ा, लेकिन इस फिल्म के किरदार का आतंक से सीधा कनेक्शन है। जो चालाक है, जल्लाद है, क्रूर है और वहशी है, धोखा करना जिसकी फितरत है, जो दानव है, जान लेना जिसका शगल है, जो खिलजी है लेकिन दुनिया के लिए खिलजी क्यों बन गया है उत्तर कोरिया का सन की, दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। दोस्त बनाकर किम ने किया वार, किम ने साथी का सीना किया छलनी। दक्षिण कोरिया को गले लगाकर किए वार, खिलजी जैसा खलनायक बना संगीत। दोस्त बनाकर दक्षिण कोरिया से की दगाबाजी, दुनिया को जीत लेने की हवस खिलजी भी मन में संजोकर चला था। हम खिलजियों ने सांस मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा, और दुनिया को मिट्टी में मिलाकर उस पर राज करने का सपना किम जोन उन का भी है। खिलजी का भी कभी इंसानियत की नाम की चिड़िया से वास्ता नहीं रहा, और किम जोन उन भी इंसानी खाल में छिपा हुआ वो दानव है, जान लेना जिसका शगल है, खून से नहाना जिसकी आदत है, जो खेल खेल में कत्ल करता है और बात बात पर मिसाइल दाग देता है। परमाणु पावर की भूख ने किम जोंग को 21वीं सदी का सबसे बड़ा शैतान बना दिया है। किम जोंग उन और बेरहम अलाउद्दीन खिलजी एक जैसा ही है। ऐसा लगता है जैसे किम के रूप में अलाउद्दीन खिलजी का पुनर्जन्म हो चुका है। खिलजी का पुनर्जन्म, खिलजी अय्याश था, किम भी अय्याश है। खिलजी दुनिया पर विजय पाना चाहता था, किम भी दुनिया का दादा बनना चाहता है। खिलजी अपने चाचा का हत्यारा था, किम अपने फूफा, बुआ, भाई, अधिकारियों सबका हत्यारा है। खिलजी सन की था, किम जोन उन महासन की है। खिलजी भारत विजयी चाहता था, किम जोन उन दक्षिण कोरिया विजयी चाहता है। खिलजी के लिए कोई नियम कानून मायने नहीं रखते थे, किम के सामने भी दुनिया के सारे कायदे कानून बेकार हैं। उत्तर कोरिया में किम जोन के रूप में खिलजी का पुनर्जन्म हो चुका है। किम जोन के भीतर खिलजी की सारी आदतें और स्वभाव हाव भाव कूट कूट कर भरा है। हमेशा युद्ध के लिए उतावला रहने वाला किम जोन उन पिछले 1.5 महीने से अपने पड़ोसी देश के राजा से दोस्ती करने का नाटक कर रहा था। खेलों के जरिए दोस्ती के संबंधों को मजबूती देने की बात कर रहा था। अमेरिका की CIA से लेकर जापान तक ने दक्षिण कोरिया को आगाह किया कि किम जोन भरोसा करने लायक नहीं है, किम से हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। दक्षिण कोरिया हिंदुस्तानी राजाओं की तरह किम को अपना दोस्त मान चुका था, लेकिन आखिरकार दक्षिण कोरिया की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। खेल अभी शुरू भी नहीं हुए हैं कि किम जोन उन ने खिलजी वाली अपनी दोगली चाल दिखा दी। दोस्ती करके पीठ में छुरा उतार देने की अलाउद्दीन खिलजी की आदत थी। इसी आदत के चलते उसने राजस्थान में राजा रतन सिंह को छल से मारा था, और किम भी अपने एक खास दोस्त का गला घोट रहा है।
नए दोस्त का किम ने कैसे गला घोटा, कैसे किम के भीतर घुस गया खिलजी का भूत, क्यों खिलजी को अपना आदर्श मानता है किम, खिलजी किम की कौन सी चाल हुई है बेनकाब, बताएंगे, बने रहिए। उत्तर कोरिया वो देश है जिसका साथ कोई नहीं देना चाहता, जो हर किसी की आंखों में चुभ रहा है, लेकिन क्यों किम की तुलना खिलजी से की जा रही है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल मसला ये है कि कोरियाई प्रायद्वीप में होने वाले ओलंपिक्स में 2 साल बाद किम की टीम को खेलने के लिए दक्षिण कोरिया ने न्योता दिया था। दक्षिण कोरिया चाहता था कि कोरियाई प्रायद्वीप से दुश्मनी खत्म हो, दोनों देश मिलकर रहें, और इसकी शुरुआत के लिए सबसे सटीक तरीका यानी कि खेलों को चुना गया। किम को न्योता भी भेजा गया। न्योता मिलते ही किम के शैतानी दिमाग में खिलजी की तरह ही पूरा प्लान तैयार हो गया। खिलजी का भक्त किम कर सकता था बड़ा धोखा। धोखे से बचने के लिए दक्षिण कोरिया सतर्क, किम के गढ़ में नहीं जाएगा दक्षिण कोरिया। धोखे, खून और दुश्मनी से सनी किम के खिलजी से मिलती हुई कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वो बात जान लीजिए जिसके बहाने किम खून की होली खेलने वाला था। दरअसल मसला ये था कि कोरियाई प्रायद्वीप में होने वाले ओलंपिक में 2 साल बाद किम की टीम को खेलने के लिए दक्षिण कोरिया ने न्योता दिया था। दक्षिण कोरिया चाहता था कि कोरियाई प्रायद्वीप से दुश्मनी खत्म हो, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया मिलकर रहें, जनता आपस में प्रेम से जीवन जिए, और इसकी शुरुआत के लिए खेलों को चुना गया। किम को न्योता भेजा गया। न्योता मिलते ही किम के शैतानी दिमाग में खिलजी की तरह पूरा प्लान तैर गया। किम तुरंत दक्षिण कोरिया से खेल खेलने को तैयार हो गया। ये खेल दक्षिण कोरिया के लिए शांति और सद्भावना के लिए है, लेकिन किम के लिए दक्षिण कोरिया को तबाह करने का सबसे मुफीद अवसर बन गया। किम ने अपने देश के खूंखार अधिकारियों को बातचीत के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद अपनी सबसे चहेती प्रेमिका को भी दक्षिण कोरिया में होने वाले खेलों का जायजा लेने के बहाने भेजा, लेकिन वहीं पर दक्षिण कोरिया से हो गई एक ऐसी गलती जिसका बदला लेने के लिए किम ने ठान लिया। किम जोंग दोस्ती की मिठास बढ़ाने के लिए उत्तर कोरिया के माउंट कुमगांग में दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहा था, जो अब रद्द हो चुका है। 9 फरवरी को दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक, किम ने 22 खिलाड़ियों को खेल खेलने के लिए चुना। 400 लोगों को खिलाड़ियों की सेवा में तैनात किया। 4 फरवरी को किम की जमीन पर होना था सांस्कृतिक कार्यक्रम। दक्षिण कोरिया ने किम की धरती पर जाने से कर दिया इनकार। कुछ सूत्रों का कहना है कि किम जोंग उन ने यह कार्यक्रम रद्द किया है, और कुछ सूत्र बताते हैं कि दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी को किम किसी भी बड़ी चाल का पता चल गया था, जिसके बाद किम दक्षिण कोरिया ने किम के इलाके में जाने से इनकार कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द होने की जानकारी दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने दी है। दक्षिण कोरिया ने पहले किम जोंग को खेल खेलने के लिए अपने देश में इन्वाइट किया। किम जोंग तैयार हो गया, उसने अपनी टीम भेज भी दी। फिर किम ने दक्षिण कोरिया को अपने देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुलाया। ये ठीक वैसा ही है जैसे पद्मावत में खिलजी और चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के बीच होता है। खिलजी रावल को अपने शिविर में बुलाकर धोखे से बंधक बना लेता है, जिस तरह से किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को अपने इलाके में बुलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम की मांग कर रहा था, उससे किसी बड़े अनिष्ट की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब किम की धरती पर होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द हो चुका है। कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, ये जानकारी किम जोंग उनके तरफ से ही आई है। दरअसल दक्षिण कोरिया को इस बात की भनक लग गई थी कि किम की चाल क्या है। दक्षिण कोरिया ने इस बात को देखते हुए किम के गढ़ में जाने से मना कर दिया है। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक का जायजा लेने के लिए भेजा था। दक्षिण कोरिया के लोग धोखेबाज किम के साथ दोस्ती करके खेल खेलने का विरोध कर रहे थे।
सैकड़ों लोगों ने किम जोन की प्रेमिका और किम के लिए बड़े बड़े खुफिया कामों को अंजाम देने वाली उसकी विश्व कन्या के सामने ही किम के पोस्टर जला डाले। किम को ये बात पता चली तो उत्तर कोरिया के अखबारों सहित किम ने दक्षिण कोरिया को खूब आंखें दिखाई थी। यहाँ तक कि किम जोन उनके मुखपत्र ने दक्षिण कोरिया को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने तक की धमकी दे डाली और उसके बाद अब दक्षिण कोरिया किम की धरती पर पैर नहीं रखेगा। दक्षिण कोरिया का ये कदम किम की एक चाल से तो बचा सकता है, लेकिन किम के चंगुल से दक्षिण कोरिया का बचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। क्योंकि अगर किम ने चाह लिया तो दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया का जल्लाद चुटकियों में मसल सकता है। दक्षिण कोरिया ने किम के गढ़ में जाने से मना कर दिया है, लेकिन खेल होगा, किम अपने खिलाड़ियों को भेजेगा और खेल खेला जाएगा। हो सकता है कि दक्षिण कोरिया ने किम की धरती पर ना जाकर किम की एक चाल नाकाम कर दी हो, लेकिन किम अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई ना कोई साजिश जरूर रच रहा है। इस बात का खुलासा अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ भी कर चुके हैं और जापान भी खिलजी से प्रभावित खिलाड़ी किम के विंटर ओलंपिक पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किम जोंग का देश वो देश है जहां सिर्फ उसी की बात हो सकती है, जहां कोई नहीं जाना चाहता, जहां आने वाले पर्यटकों को किम जोंग की भक्ति दर्शानी होती है। ऐसे देश के साथ कैसे कोई दोस्ती करे, ये सवाल शायद दक्षिण कोरिया के सामने भी था, लेकिन बावजूद इसके भी किम जोंग उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते दक्षिण कोरिया को विंटर ओलंपिक में शामिल करने को राजी हो गया। लेकिन इन सबके बीच भी किम का खिलजी वाला दिमाग कहां शांत रहने वाला था और इसीलिए उसने रच दिया खिलजी की तरह ही एक नया प्लान। खैर, खिलजी की तरह वो कामयाब नहीं हो पाया। दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक होने जा रहे हैं। किम जोंग उनकी प्रेमिका को दक्षिण कोरिया ने अपने देश में मेहमान बनाकर बुलाया था और अपने देश में बुलाकर सनकी की प्रेमिका यान के सामने ही किम को जूतों तले रौंद दिया, किम की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। किम की प्रेमिका और उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि मंडल के सामने ही उत्तर कोरिया के झंडे को आग भी लगा दी। किम के अपमान की ये बात दक्षिण कोरिया से तत्काल उत्तर कोरिया पहुंच गई। किम जोंग को इस बारे में जानकारी दी गई। अपमान बेइज्जती से सराबोर तस्वीरें किम को दिखाई गई और किम ने ये सब कुछ देखकर दक्षिण कोरिया को सबक सिखाने की कसम खा ली। किम की प्रेमिका के सामने ही दक्षिण कोरिया के बीच बाजार में किम जोंग की इज्जत उछाली गई थी। किम की प्रेमिका के सामने ही किम की इज्जत धूल में मिला दी गई थी और महागुस्सेबाज किम इसके लिए दक्षिण कोरिया को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पोस्टर जलाने की तस्वीरें देखकर जल्लाद की आंखें हुई लाल, जूतों तले रौंदे जाने का सच जानकर कहा उठा सनकी। प्रेमिका के सामने बेइज्जत होने बाद किम ने खाई बर्बादी की सौगंध। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को अंजाम भुगत लेने की धमकी दी है। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के मुखपत्र सरकारी अखबार ने दक्षिण कोरिया को धमकाते हुए कहा है कि दक्षिण कोरिया का सरकारी अखबार के मुताबिक किम जोंग उन और उत्तर कोरिया का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दक्षिण कोरिया के प्रदर्शनकारी क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, किसकी शह पर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर का अपमान किया गया, ये दक्षिण कोरिया का अपना मसला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर का अपमान हुआ है, दक्षिण कोरिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। किम जोंग उन अपनी शान में तिनके की भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। दक्षिण कोरिया के सियोल में उसके पुतले जलाए गए, वो भी किम को न्योते पर बुलाकर। इसकी कीमत दक्षिण कोरिया को चुकानी है। कोरियाई अखबार ने संतुलित भाषा में किम के गुस्से की बानगी दे दी। किम की प्रेमिका को सियोल बुलाया गया।
सियोल में हयान को ओलंपिक की तैयारियों का जायजा लेना था, लेकिन दक्षिण कोरिया में सैकड़ों लोगों ने किम के पोस्टर और उत्तर कोरिया का झंडा जला दिया। किम के पोस्टर को पैरों तले रौंद दिया गया। एक तरफ दक्षिण कोरिया ने किम को घर बुलाकर बीच बाजार नंगा कर दिया, दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के दोस्त अमेरिका ने भी किम को अपमानित किया है। पहले से ही दर्जनों प्रतिबंधों के बाद भी एक और प्रतिबंध किम के ऊपर लाद दिया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक अमेरिकी वित्त विभाग ने उत्तर कोरिया के लगातार एक के बाद एक हो रहे परमाणु परीक्षणों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के उल्लंघन के आरोप की सजा किम को अपमानित करके दी है। अमेरिका ने भी किया किम का अपमान। अमेरिका ने किम की 9 और कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। किम के 16 विश्वस्त लोगों पर भी प्रतिबंध लगा। एक तरफ दक्षिण कोरिया का तिरस्कार, दूसरी तरफ अमेरिकी विश्व का प्याला। किम ओलंपिक खेलों से ये संदेश देना चाहता था कि वो शांति का समर्थक है, वो दोस्ती करना चाहता है, लेकिन इन घटनाओं ने किम को खून से नहाने की शपथ लेने के लिए मजबूर कर दिया। किम जोन उन मिसाइल टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित कर रहा है जिससे किसी दूसरे देश को अटैक करने का मौका न मिल सके और एक बार में दक्षिण कोरिया जैसे देश को खाक में मिलाया जा सके। अमेरिका ने किम पर एक और प्रतिबंध लगा दिया है। किम की दक्षिण कोरिया में हुई बेइज्जती और अमेरिका का प्रतिबंध, ऐसे में अब किम को लग रहा है कि ये प्रतिबंध दक्षिण कोरिया के इशारे पर लगाया गया है, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोस्त हैं। अमेरिका किम के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है और दक्षिण कोरिया के लोगों को किम के पैरों तले रौंद रहे हैं। कहते हैं किम ने 500 ऐसी सुरंगें बना रखी है जो दक्षिण कोरिया की सीमा में खुलती हैं और ये सुरंगें इतनी बड़ी हैं सेना के टैंकर और वाहन भी आसानी से जा सकते हैं। दक्षिण कोरिया की बर्बादी किम के बाएं हाथ का काम है, लेकिन असली चुनौती अमेरिका है और किम अमेरिका को सबक सिखाने का प्लान बना रहा है। किम ने अपने 22 खिलाड़ियों के साथ 400 लोगों का दल दक्षिण कोरिया भेज दिया है। किम ने अपने 500 से ज्यादा सुरंगों में तैनात सेना को अलर्ट कर दिया है। किम आगे क्या करने वाला है ये तो साफ नहीं है, लेकिन किम की हरकतें बड़े मूवमेंट की तरफ इशारा कर रही हैं। अमेरिका के CIA चीफ ने किम की अगली चाल से दुनिया को आगाह किया है, साथ ही दक्षिण कोरिया को भी सतर्क करने की सलाह दी, क्योंकि अमेरिका को जो खबर मिली उसके हिसाब से किम बदली की आंख में चल रहा है और किम की फितरत के मुताबिक इससे बड़ा अपमान का घूंट आज तक किम जोन ने नहीं पिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।